संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले एक दशक में बिहार ने तय की विकास की नई यात्रा और बढ़ने लगा संकल्पों से समृद्धि की ओर। देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास की ये यात्रा बहुआयामी है। इसमें सामान्य मानवी के जीवन से जुड़ी जरूरतों की चिंता भी शामिल है। इसमें सबसे बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी शामिल है। दशकों से बिहार के अन्नदाता ऋण के लिए साहूकारों पर आश्रित थे। संकल्प था किसानों को महंगे ब्याज के चंगुल से छुड़ाने का। आज बिहार में 25 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड उन्हें महंगे ब्याज से निजात दिला रहे हैं। 85 लाख से ज्यादा किसान 19,000 करोड़ से अधिक की सम्मान निधि पा रहे हैं। एक दशक पहले बिहार के करोड़ों गरीबों के पास बैंक खाता तक नहीं था। संकल्प था उन्हें वित्तीय मुख्य धारा में लाने का। आज बिहार के 5.5 करोड़ से ज्यादा निवासी जनधन खातों से लाभान्वित हो रहे हैं। आज बिहार के 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी जीवन ज्योति योजना व 2.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी सुरक्षा बीमा योजना द्वारा भविष्य की चिंता से मुक्त हो रहे हैं। आज यहां 51 लाख से अधिक युवा भविष्य में पेंशन से आश्वस्त हो रहे हैं। आजादी के बरसों बाद भी बिहार की महिलाएं चूल्हे के धुएं से त्रस्त थी। संकल्प था रसोई में सेहत की सुरक्षा। आज बिहार की 1 करोड़ से अधिक महिलाएं उज्ज्वला से उज्ज्वल हैं। एक समय था जब बिहार की बहन बेटियां आर्थिक हाशिए पर थीं। संकल्प था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का। आज स्वयं सहायता समूहों में प्रदेश की 1 करोड़ से अधिक महिलाएं पा रही हैं संगठन से समृद्धि। एक दशक पहले बिहार के लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ देते थे। संकल्प था जीवन बचाने का। आज बिहार के 88 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों को आयुष्मान भारत की मदद से 5 लाख का निशुल्क बीमा मिल रहा है। 2.25 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ खाते खुल रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक बच्चों और महिलाओं के लिए पोषण सुनिश्चित किया जा रहा है। बिहार में गरीबों का पेट भरने से गरीब कल्याण अन्न योजना अनवरत जारी है। एक जमाने में लोग अपने मकान को तरसते थे। संकल्प था लोगों का वास अपने आवास में हो। तभी तो आवास योजना द्वारा 37.5 लाख से ज्यादा नए घरों का निर्माण हो रहा है। बीत गए वो दिन जब बिहार के निवासी एक बूंद पानी भी कोसों दूर से लाते थे। संकल्प था हर घर जल का। आज बिहार के 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों में टैप वाटर कनेक्शन है। आज बिहार में गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण करवाकर संपत्ति धारकों को उनके प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा रहे हैं। खेतों में प्रणाम योजना और नैनो खाद द्वारा पैदावार बढ़ाई जा रही है। विश्वकर्मा योजना द्वारा विश्वकर्मा भाई बहनों का उत्थान हो रहा है। जनजातियों को स्वस्थ रखने के लिए सिकल सेल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जनजातीय भविष्य की नींव रख रहा है। बिहार ने जिस विकास की कल्पना की वो इस संकल्प यात्रा में पूरा हो रहा है, लेकिन बाकी हैं अभी भी कई नए संकल्प और कई नई सफलताएं। सबका लक्ष्य एक ही है, निर्माण विकसित भारत का। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ।